मुंबई, सपनों का वो शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपने सपने लेकर आते हैं, वैसे ही 1996 में मैं भी इस शहर में आई थी एक सपने के साथ। मेरे पति सोनू, जो तब मेरे अच्छे दोस्त बन के मेरी जिंदगी के पन्नों में एक नया किरदार बन के आए थे, उन्हें और करीब से जानना, समझना, हमारे इस नए रिश्ते को एक मजबूत डोर से बांधना, बस यही मेरा सपना था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक प्रोटेक्टिव और पाबंदी भरी जिंदगी को पीछे छोड़ के एक नई दुनिया में एक नया कदम रखने की तैयारी कर रही थी। मेरी इस कोशिश में कई लोग मेरी जिंदगी के पन्नों में अहम हिस्सा बन के आए। मेरी शुरुआती दिनों में एक इंसान ने मुझे बहुत इनकरेज किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, समझाया, बहुत सारा प्यार दिया, कभी डांटा भी, कभी समझाया भी। वो आज मेरे साथ है, मेरे फिल्मी गुरु कुणाल कोहली। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है मधुरिमा, जितने साल मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, इंडस्ट्री से पहले मैं म्यूजिक वीडियोस बनाता था, उससे पहले मैं टीवी में था, पूरे करियर में और लगता है पूरी जिंदगी में आप एक ऐसी शख्स हैं जिसे जब मैंने इंटरव्यू किया और मैंने पूछा कि आप बम्बई क्यों आई हैं, और जवाब मिला सोनू निगम को पाने। छोटी सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी लड़की बैठी है मेरे सामने और जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। मैं सोनू निगम से बेहद प्यार करती हूँ, तो मैं उसे देख रहा हूँ कि भाई मैं आपको कोई मैट्रिमोनियल कंपनी लगता हूँ, मैं क्या लगता हूँ आपको, क्या मेरे सामने फिर क्यों बैठी हो, जाओ किसी स्टूडियो के बाहर और सोनू निगम से बोलो, नहीं लेकिन मुझे काम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सब बातें भी थी। मैंने बोला मैं उनको जानती बहुत अच्छी तरह से हूँ, पर मुझे अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहीं पे रहना है। आई थॉट कि ऐसे ही फेंक रही है। वन थिंग आई लाइक, सी फॉर एवरी क्रिएटिव फील्ड ना एक पागलपन की जरूरत है, तो आई थॉट अगर ये एक पागलपन भी है इस लड़की में तो भी अच्छी बात है। इस इंडस्ट्री में सब जो जीनियसेस हैं वो थोड़े पागल हैं, एंड आई मीन दिस विद फुल रिस्पेक्ट। ऑफ कोर्स किशोर कुमार साहब के बारे में भी ये कहा जाता था कि ही हैड अ मैड स्ट्रीक इन हिम। हिंदी में मैं पागल शब्द किशोरदा के सामने नहीं जोड़ सकता, लेकिन एक्सेंट्रिक जरूर जोड़ सकता हूँ। तो ये जो एक्सेंट्रिक स्ट्रीक है ना, मुझे लोगों में बहुत अच्छा लगता है। I think it's very nice and it's very interesting because it makes you stand out from everyone else. नहीं तो लोगों से पूछो इंटरव्यू में, आप क्यों बम्बई आयो, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मैं सोनू निगम को पाना चाहती हूँ। ये पहली बार ये किसने बोला, फिर आप सामने आइए, ये बात किसने बोली, फिर आप सामने आइए। ना मैं किसी को जानती थी, ना मैं आपकी शक्ल को भी उतनी नहीं अच्छी तरह से पहचानती थी, एंड देन आई सॉ यू कमिंग, मैंने कहा हेलो कुणाल जी, आपने इधर उधर देखा, फिर कहा कौन जी, कौन कुणाल जी? ओके, या आई स्टिल डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड कुणाल जी, आई डोंट, आई फील वेरी ओल्ड, आई एम नॉट दैट ओल्ड, कॉल मी कुणाल, यू नो सर जी, ये आई थिंक आफ्टर ऑल हम लोगों के नाम भूल जाएंगे, सर 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 सर, सब लोग सर जी बन जाते हैं, सब लोग जी बन जाते हैं। आई एम लाइक यार, आपके जी बुलाने से मुझे इज्जत नहीं मिलने वाली, सर बुलाने से मेरी औकात नहीं बढ़ने वाली, और आई जस्ट फील इट्स मोर कम्फर्टेबल, इट्स मोर डिसार्मिंग इफ यू जस्ट कॉल मी बाय माई नेम। टिल टूडे आई डोंट लेट एनी ऑफ माई असिस्टेंट्स कॉल मी सर, कुणाल सर, कुणाल जी, सर सर जी, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। Some very young people come up to me, sir, I just can't call you. Sir, I'm 19 years old. How do I call you? I said, what do I call you? By your first name, no? Yeah. So what have I done that you'll call me by anything else? Maine ye faisla kar diya ki jab tak I don't turn 70, tab tak no one can call me sir or ji. Abhi to usko kaafi saal baki hai. Haan, saal baki hai. Iske peeche bhi ek karan hai. I'll tell you why. Not that I'm trying to be cool or hip or something like that, or I don't know what respect is and all that. जब आप काम कर रहे हो ना, सबको इक्वल होना चाहिए, फिल्म मेकिंग हो या कोई भी काम हो, इट्स ऑल अ कंबाइंड टीम वर्क। द मोमेंट समवन बिकम्स सीनियर, यू कांट टेल हिम एनीथिंग दैट ही इज गोइंग रॉन्ग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्क टू बी टोल्ड व्हेन यू आर गोइंग रॉन्ग। मैंने सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं, अनसक्सेसफुल फिल्में भी बनाई हैं, बट एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेट पर आऊँ, जब मैं शॉट लगाऊँ, जब मैं शॉट को ओके करूँ, दो तीन लोग तो एटलीस्ट आके मेरे पास और बोले कि कुणाल आई डिडंट लाइक दैट शॉट, मज़ा नहीं आया। I want to hear that. मैं आपके साथ काम करती थी, आप you know that atmosphere was so comfortable. आप कभी हम लोगों को specially जैसे हम लड़कियां थी, हमको जैसे लगता था जैसे सर पे रखा हुआ है, and you know we are like
queens in that place. You're so right. आज भी माहौल वही है. लड़के जो हैं, in fact मुझे complain करते हैं कि the girls get all the benefits, they get this, they get. I said, see, आप लोग समझते नहीं हो, वो लोग घर छोड़ के आए हैं, exactly. शहर छोड़ के आए हैं, नए शहर में आए हैं, and I just feel protective towards all the girls who are working with me. Not so about the boys, because लड़के जो है ना वो बीप होते हैं. वो अपना ख्याल रख सकते हैं. हाँ. अभी तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, 9 बजे के बाद there has to be a car to drop the girls back. तब भी आप ऐसे करते हैं. And I don't mean just the assistant directors. Artist हो, junior artist हो, कोई भी हो सेट पे, there has to be a car to drop people back. If we are shooting in Mud Island, there'll be a bus organized for all the junior artists to go back. वो बजट में हो ना हो, I don't care. These things have to be done. Not just safety and security. I think it's just general etiquette that you should have towards people. Of course. Radio programs पे, TV पर, मैंने सुना था कि जब लोग राज कपूर साहब की शूटिंग पे जाते थे, तो खाना ऐसे मिलता था, खाना वैसे मिलता था. I used to feel कि यार जब मैं फिल्मेकर बनूंगा ना, फिल्मों के बारे में तो लोग बात करेंगे ही, लेकिन मेरे सेट का जो माहौल होगा उसके बारे में भी लोग बात करेंगे कि इधर खाना बहुत अच्छा मिलता है, इधर ये बहुत अच्छा मिलता है. तो एक दिन ऋषि कपूर साहब मेरे सेट पे आ रहे थे, he said, you know, आज मैं सोच रहा था कि मैं टाउन में शूटिंग कर रहा हूँ, तो आई विल गो टू दिस रेस्टोरेंट फॉर लंच. फिर मुझे याद आया कि अरे कुणाल की शूटिंग है, खाना बहुत अच्छा मिलता है. तो आई वॉज लाइक, आई सेड, चिंटू जी, यू मेड माई डे. I used to hear that about your father, and you're saying that about my set. My life is made. मुझे याद है, हम लोग शूटिंग करते थे, लंच ब्रेक के एक घंटे पहले से डिसाइड हो जाता था कि चलो टिफिन तो आया हुआ है, वो तो बहुत अच्छा ही होता था. हाँ. उसके अलावा और क्या मंगाया और क्या मंगाया जाए? और क्या मंगाया जाए? आज हम क्या खाएंगे? खाना खाते वक्त जो इंटरेस्टिंग किस्से आप सुनाते थे और जो हम हंसते थे, तो लगता कि ये लंच ब्रेक और थोड़ा लंबा खिंच जाए, मजा आ जाए. I cherish those moments. I just feel happy. जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है ना, उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है, वो एक मुकाम पर है. जैसे आप हो, इम्तियाज अली, he was also my assistant in ZTV. एक और शख्स थे हरविंदर मलिक, मैंने सुना उन्होंने हरियाणा में चैनल खोल रखा है अभी. अच्छा. तो ऐसे बहुत से लोग हैं. दानिश असलम डायरेक्टर बन गया. अभी एक और असिस्टेंट था मेरा, बिनॉय गांधी, वो डायरेक्टर बन गया. एक असिस्टेंट था सिद्धार्थ आनंद, उसने अभी बैंग बैंग बनाई है. ऑल हु आर माय असिस्टेंट्स आर डूइंग वेल इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. अच्छी यादें जुड़ी हैं सबके साथ, सबके बारे में कुछ कुछ बातें मुझे याद हैं. इनहेरेंटली वो सब लोग सेम ही हैं, ज्यादा बदले नहीं है. आप अभी यहाँ पर बैठे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग वो 12-15 साल पहले मेरे पुराने घर में बैठे थे. हाँ. क्योंकि मेरा ऑफिस नहीं था उन दिनों, तो मैं घर से ऑपरेट करता था. यूज्ड टू वेयर लॉट ऑफ व्हाइट कॉटन शर्ट्स. यू नो, समटाइम्स मैं पेपर खोलता हूँ, आई सी यू विद सोनू, आई सी यू हियर देयर एंड ऑल, आई हियर योर रेडियो प्रोग्राम, आई फील वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी प्राउड कि यार ये लड़की आई थी कलकत्ता से, किसी को जानती नहीं थी शहर में, एंड आके शी इज मेड हर लाइफ एंड शी इज मेड मुंबई हर ओन सिटी. ये जो कहानियां हैं, ये जो किस्से हैं, ये बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचाने को. दीज आर स्टोरीज दैट इंस्पायर पीपल. आज कोई और लड़की आ रही होगी, होपफुली नॉट फॉर सोनू निगम. आपको लगता है कि आप मुझसे सीखे हैं, आपको नहीं, ये नहीं पता है कि मैं आपसे कितना सीखा हूं. क्योंकि पता नहीं अगर मुझ में हिम्मत होती to leave a city and go to another city without knowing anybody over there. I went against my parents and joined this industry, but I stayed in their house only. तो वो बहुत आसान है. But to go against your parents, leave your city, come to another city, जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते, और आपको ये भी नहीं पता है कि मैं रहूँगी किधर, कैसे रहूँगी, कैसे खाऊँगी, क्या जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ नहीं पता, और आप बस पहुँच जाते हो. I think that's a really commendable thing that you did in life, yeah, and lot of other girls and boys keep doing. Yeah. And keep making it. So I also learn all these things. And sometimes when I feel na, when you go through your ups and downs in life, yeah, and you feel ke ye yaar main kya karu, ye kaise hoga, ye hoga, then I think of all the people who worked with me who came from different towns like you. Main sabke bare mein sochta hu aur you know, fir main bolta hu yaar ye log ne kaise kiya, wo log kaise aaye, बिना किसी को जाने, बिना किसी को, बिना कोई कांटेक्ट. माय ओनली फोकस वाज सोनू एंड माय ओनली सपोर्ट सिस्टम वाज सोनू. ही हैड जस्ट सेड कि मैं हूँ तो चिंता नहीं, बट उसके साथ भी बाकी चीजें होती ही है. लेट्स टॉक अबाउट द फनी साइड ऑफ यू. कुणाल के पास बहुत सारे किस्से होते हैं. एक वक्त पे जब मैं आपके साथ काम करती थी, पिताज बादशाह थे आप ऑफ काउंटडाउन शोज. हमने कितने काउंटडाउन शोज किए, चेयर पे बैठ के जो आप क्रिटिसाइज करते रहते थे फिल्मों को. आपके पास इतनी कहानियां होती थी. एक्चुअली यू नो, हम सबके पास कहानियां हैं. हाँ.
लेकिन हम उन्हें देखते नहीं है. हमारे इर्द गिर्द ना कुछ चलता रहता है. हर एक शख्स के पास एक कहानी है. मैं कभी रेस्टोरेंट में बैठता हूँ ना तो मैं देखता हूँ मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन लोग बैठे हैं, और मैं सबकी कहानियां बना देता हूँ. कभी कभी जो दो लोग हैं उनकी शायद 4 साल पहले शादी हुई थी, अभी उनके मैरिज में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसीलिए एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे. तो आई कीप मेकिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट पीपल इन माई हेड, देन आई कीप लिसनिंग टू स्टोरीज. आई लव स्टोरीज. यश जी गुजर गए, मैं वहाँ पर था, एंड सब लोग आते गए इंडस्ट्री से एक एक करके. आई वाज देयर टिल हिज बॉडी वाज देयर. सुबह 5:30-6 बजे तक आई वाज स्टैंडिंग देयर. पूरी इंडस्ट्री आती गई. प्रसून जोशी साहब आए, उन्होंने कहा कि यश जी के जाने के बाद किससे खत्म हो जाएंगे. आजकल क्या होता है, लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, माहौल नहीं बनाते शूटिंग का. यश जी का जो जनरेशन था और जो हमारे माँ बाप और हमारे बुजुर्गों का जो जनरेशन था वो एक किस्सों का जनरेशन था. उनके पास कहानियां थी, उनके पास रेसिपीज थे अचार बनाने के, दादियों के पास रेसिपीज थे अचार बनाने के, हलवा बनाने के. क्या हमारी जनरेशन ये रेसिपीज पास डाउन कर सकेगी? क्या हमारे पास रेसिपीज है हलवा बनाने की? गाजर का हलवा कैसे बनता है? गूगल पे है, हमारे पास नहीं है. हम सब बोल सकते हैं यार मेरी दादी जो है ना बेसन का हलवा बड़ा अच्छा बनाती थी. कोई और बोलेगा मेरी दादी जो है ना बिरयानी बड़ा अच्छा बनाती थी, मेरी दादी पूरी आलू बहुत अच्छा बनाती थी. हम लोग क्या बनाते हैं? आई फील कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कंटिन्यू दीज थिंग्स, वी कंटिन्यू दीज ट्रेडिशंस. कॉर्पोरेटाइजेशन से ये फिल्में, ये जो चीजें है ना वो खत्म हो गई है. जब मैंने पहली फिल्म बनाई यशराज फिल्म्स के लिए, यश जी आए रेकी के लिए शूटिंग पे, जब हम गए थे स्विट्जरलैंड में तो एक बस में गए थे, सब लोग बैठते थे वो बस में. यश जी, रितिक, करीना, रानी, सब लोग, हम सब लोग एक बस में जाते थे स्पॉट बॉय तक. पूरा जो हाउसकीपिंग था, खाना, केटरिंग, लॉन्ड्री, ये सब कुछ पैमांटी देखती थी. डिनर पे हम लोग सब एक हॉल में बैठ के डिनर करते थे. मेन्यू यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय पैमांटी. उस माहौल में पिक्चर बनी. अब उसके साथ मेरे पास 10 कहानियां. अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहां से मैं कहानियां ला के दूं आपको? कनेक्शन ही नहीं है ना. कनेक्शन नहीं है. मुझसे दोस्ती करोगे का, जब हम म्यूजिक करते थे तो यश जी के गद्दा रूम में बैठते थे. राहुल शर्मा म्यूजिक डायरेक्टर थे, नई म्यूजिक डायरेक्टर. बख्शी साहब आते थे गाने लिखने के लिए. एक ट्यून बख्शी साहब को बहुत अच्छा लगा जो टाइटल सॉन्ग था पिक्चर का, कह दो कि तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे. तो बख्शी साहब ने बोला ये ट्यून अच्छा जा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है, इसको थोड़ा खोल दो. खोल दो मतलब कैसे खोले? तो राहुल शर्मा थोड़ा फंस गया. तो बख्शी साहब ने बोला जैसे मतलब लड़की अंगड़ाई लेके गा रही है. देखूंगी, सोचूंगी, कल परसों कुछ कहूंगी. तो बोला ऐसे कर दो. ही जस्ट गिव द ट्यून इन 1 मिनट. वो जो गाना था जाने दिल में कब से है तू, बख्शी साहब ने, मेरे पास सब लिखे हुए हैं उनके वर्जन है. 4 वर्जन डर डर के मैंने रिजेक्ट किए, डर डर के कि मैं कैसे बोलूं बख्शी साहब को. शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के आते थे, हाथ में 555 का पैकेट. एक स्टाइल था उनका सिगरेट पीने का, वो यहाँ पर सिगरेट डालते थे, छोटी उंगली के बीच में फंसाते थे सिगरेट और ऐसे चुटकी मार के ऐश को गिराते थे नीचे. लंबा सुट्टा मारते थे और सुनते थे. जो पहला वर्जन था जब वो लेके आए थे तो मुझे इतना मजा नहीं आया, थोड़ा हेजिटेंट था. तो बख्शी साहब मेरी तरफ देख के बोलते मजा नहीं आया कुणाल? ऐसे नहीं सर, मजा नहीं आया. तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ, परसों मिलते हैं. ऐसे नहीं, इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं. अरे नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा, कौन सी बड़ी बात है, दोबारा लिख देंगे. 2 दिन बाद मिले, कुछ सुनाया, आधे में ही वो रुक गए. नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के पता चल रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है. इसे देखो, घबराओ मत बेटे, मैं गाना 10 बार भी लिख देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. जब तक दिल पे नहीं लगता है गाना ना, मैं लिखते रहूंगा दोबारा. देन 3rd टाइम ऐसे नहीं सर मजा नहीं आया, फिर मैं भी बोल्ड हो गया. बट दैट वॉज द कम्फर्ट ही गेव मी. 5 बार उन्होंने लिखा, फिर जब वो आया, जाने दिल में कब से है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू, आई सेड सर बहुत मजा आया. आज तक रेडियो पे बजता है. ऑल ऑफ देम, ऑल दीज ग्रेट्स आई लाइक दैट. कुणाल, जैसे आप जब फिल्मों की इतनी क्रिटिसिज्म करते थे, जब आपकी पिक्चर बनी मुझसे दोस्ती करोगे, लोगों ने जब उनको मौका मिला, कुछ लोग तो वेट कर रहे थे कि कब पिक्चर आए, हमें भी मौका मिले. यू नो, मैं एक गाना है ना बच्चन साहब का, मेरी आदत है अक्सर मैं भूल जाता हूँ. तो मैं भी ये बातें भूल जाता हूँ. मैं इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेता. सीरियसली, आई मीन आई एम वेरी सीरियस अबाउट द फैक्ट दैट आई डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली. आपको नहीं अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, ठीक है, दुश्मनी थोड़ी ना होने वाली है. आपको पिक्चर अच्छी नहीं लगी, 10 लोगों और को अच्छी नहीं लगी, 4 को अच्छी लगी, पिक्चर नहीं चली, ठीक है,
no problem, I'll come back. I came back with Hamtum. With the bang. I came back with Hamtum, made a SAIF on the National Award. I've got Best Director Award. I was nominated against Ashutosh Gowarikar, Farhan Akhtar, Rajkumar Santoshi, Farah Kharan, above all, yes, ji. They were all nominated and I got the Best Director Award. Theek hai, toh woh bhi dekh liya maine. Phir uske baad aayi Fana, phir uske baad aayi do filmen jo nahi chali. Life mein upar niche chalta rehta hai. You have to go through that. I look at long career graphs. From Kala Patthar till Chandni, 13 years, yes, ji didn't have a hit film. That doesn't make Yash Ji a smaller filmmaker today. He's still a legend. 13 years. And how many films didn't work in that period? Kala Patthar didn't work. Silsila didn't work. Lamhe didn't work. Parampara didn't work. Fasle didn't work. Vijay didn't work. Mashal did average business. 8 films. Jin filmon ke aapne naam li hai, aaj un filmon ko hi legendary movies kaha jata hai. Today, Mujhse Dosti Karoge plays every week on TV. Jabhi bhi मुझसे दोस्ती करोगे आती है तो आई स्टार्ट गेटिंग ट्वीट्स एंजॉयिंग द सॉन्ग्स एंजॉयिंग द फिल्म म्यूजिक वाज गुड पीपल एंजॉयड द फिल्म ठीक है आज नहीं अच्छी लगी कल अच्छी लग जाएगी ठीक है यू हैव टू हैव अ बिगर पिक्चर इन माइंड यू हैव टू हैव कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए आए हो आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो आप क्या करना चाहते हो माय थिंग इज जीना यहाँ मरना यहाँ आई वॉन्ट टू मेक फिल्म for as long as I can and make different films and make different kinds of cinema all through my life. Love stories mainly and about human emotions and human relations. I want to do that. So, theek hai, raaste mein ups and downs aate hain. And in fact, we all know that aapke jo failures hain, wo aapko zyada sikhate hain kamyabi se. आप कामयाबी से इतना ज्यादा नहीं सीखते सोशल फंक्शंस या सोशल गैदरिंग्स में उतने नहीं दिखते हैं अनलेस इट्स लाइक अ अवार्ड फंक्शन तो कभी कभार आप दिख जाते हैं कुणाल में एक एटीट्यूड आ गया है वो क्योंकि वो शायद आपको करीब से समझते भी नहीं है क्योंकि यू've ऑलवेज बीन लाइक दैट दैट्स ट्रू आई मीन आमतौर पर कुछ लोगों की ये गलतफहमी है कि आई हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ या पता नहीं व्हाट आई मीन पीपल हैव दिस थिंग कि आई हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम आई थिंक इट्स नॉट एन एटीट्यूड प्रॉब्लम मैं बहुत लोगों से मिलता जुलता नहीं हूँ दैट डजंट मीन आई हैव एन एटीट्यूड प्रॉब्लम आई कुड बी रिजर्व्ड एंड दोज हु नो मी नो दैट दैट इज द लास्ट थिंग आई हैव इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम यू आर नॉट अ रिजर्व्ड पर्सन आई एम नॉट अ रिजर्व्ड पर्सन बट आई जस्ट डोंट मीट टू मेनी पीपल सो इट्स नॉट दैट आई एम रिजर्व्ड बट आई विल बी वेरी फ्रेंडली विद 5 पीपल इंस्टेड ऑफ 500 कमाल की बात है लाइफ में विच आई बिलीव के हर सिचुएशन के लिए हर मौके के लिए एक हिंदी फिल्म गाना है लोगों के बारे में जब बात आती है तो वो छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीच ना जाए रहना उस गाने का अंतरा है तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई बख्शी साहब अगेन मतलब हम कौन है दैट्स हाउ लाइफ इज इट जस्ट टेक्स यू ऑन अ जर्नी बट यू हैव टू फाइट दैट जर्नी यू हैव टू कीप दैट जर्नी लोग अक्सर ना अगर 10 सीढ़ियां होती है किसी मुकाम तक पहुंचने को आपको पता नहीं कि 10 सीढ़ियां हैं एक सीढ़ी चढ़ते हो फिर दूसरी फिर चौथी फिर पांचवी फिर goes on and lot of people I feel give up at the 9th step aapko lagta hai shayad 100 steps hai 100 kadam hai nahi yaar 100 kadam mein nahi chal sakta main 9th pe stop kar are yaar 10th kadam par manzil thi aapne nahi li to that's why you have to never give up just keep going it will come it will happen if you give up then means it was not going to happen because it you gave up meant for you even if it was meant for you you'll never know You'll never know because you gave up. And you said, नहीं यार मैं रास्ता बदलता हूँ मैं वहाँ जाता हूँ अरे यार अभी तो आ गई थी तेरी मंजिल सैफ उस टाइम पे बहुत बड़े स्टार नहीं थे He became big with Hum Tum. He was always second hero, third hero. As a main hero, he was not working. जब हमने सैफ को साइन किया था तो कल होना हो भी नहीं रिलीज हुई थी He had only done दिल चाहता है एक हसीना थी was a solo film. With Urmila, which was a completely Urmila Matondkar film. Saif भी बहुत बड़ा नहीं था, but हमने सोचा कि चलो कलोना उमेश शाहरुख के साथ है, कुछ तो हम तुम was his first big solo hit. रहमान साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी once. I met him on a flight once. हम लोग साथ में कहीं जा रहे थे. He said, you know, sometimes God is very lazy. He's decided के I have to give success to Kunal Kohli, Saif Ali Khan, Jatin Lalit, and Prasoon Joshi. इन सब को मुझे success देना है. अब यार चार अलग फिल्में तो मैं नहीं बना सकता इन लोगों के लिए इन सबको एक फिल्म में ही ले आओ मैंने पहली फिल्म में काम किया राहुल शर्मा के साथ जतिन ललित वर गोइंग थ्रू अ लिटिल लो पैच एट दैट टाइम दे केम टू आदि एंड सेड गिव अस अ चांस अगेन आई सेड यार श्योर प्रसून जोशी मेट आदि एट एन एयरपोर्ट समवेयर ही वाज एन एडवर्टाइजिंग मैन ही हैड नेवर रिटन फॉर हिंदी फिल्म्स बिफोर एक गाना लिखा था प्रसून को हमने बोला था डायलॉग्स के लिए ही रेड द डायलॉग्स एंड से इसका एक डायलॉग चेंज मत कीजिए फैंटास्टिक डायलॉग्स है लेट मी राइट द लिरिक्स ऑफ दिस फिल्म वी सेड हां ठीक है ट्राई कर लो एक गाना ट्राई कर लो बस वहां से लेके आज तक आई एम राइटिंग विद हिम ओनली द पीपल हु वी अप्रोच्ड एंड हु कुडंट डू इट एंड एवरीथिंग फॉर हम तुम वर आमिर ऋतिक विवेक ओबरॉय
एंड देन वी केम टू सेफ. आमिर वॉज गोइंग थ्रू हिज ओन पर्सनल क्राइसिस. उसने सुनी नहीं, बोला नहीं मैं अभी मूड में नहीं हूँ, मैं सुन ही नहीं सकता. ऋतिक दो तीन महीने स्क्रिप्ट रख के बोला आई एम नॉट श्योर आई कैन पुल ऑफ दिस फिल्म, आई एम लिटिल वरीड, कम बैक टू मी आफ्टर कोई मिल गया रिलीजेस. यार 8 महीने के बाद कोई मिल गया रिलीज होने वाली है, हम आज हाँ बोलो और 8 महीने बाद शूटिंग करेंगे, हम तेरे लिए 1 साल भी वेट करते हैं. तो जब मैं 8 महीने बाद जवाब दूंगा कि मुझे करनी है नहीं करनी है, चलिए यार ये बहुत लंबा पीरियड हो गया. विवेक ने हाँ बोला ना बोला ये वो, खैर पॉइंट ये था कि सम हाउ वी ऑल केम टूगेदर एंड वी गॉट दिस वन हिट इन हम तुम, बिकॉज आई थिंक गॉड वॉज लेजी सो ही ब्रॉट अस बैक टूगेदर लाइक रहमान साहब ने कहा. इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी ऑफ मेकिंग हम तुम एंड नोबडी एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम द फिल्म. मेहुना रिलीज हुई थी, बहुत जोरों से चल रही थी. युवा आई, थोड़ी बहुत चली, नॉट टू मच. हमारे बाद लक्ष्य आ रही थी. Amongst all these big films came one small film called हम तुम, और सबकी किस्मत बदल गई. एक तो आपको म्यूजिक से लगाव भी है बहुत ज्यादा. आई लव सुनते भी बहुत ज्यादा है. मैं म्यूजिक सुनता बहुत ज्यादा हूँ. आई लव म्यूजिक, आई लव मेलोडी, आई लव शायरी. माई ओनली रिग्रेट इन लाइफ इज दैट आई कांट सिंग टू सेव माई लाइफ. आई हैव ट्राइड टू प्ले द सितार, आई हैव ट्राइड टू प्ले द कीबोर्ड, आई हैव ट्राइड टू प्ले द गिटार. I just can't play a musical instrument. आप कभी आई नहीं है रिकॉर्डिंग पे. मैंने सोनू के साथ काफी गाने किए. देखो ना वॉज अ बिग हिट फ्रॉम फना, मेरे हाथ में भी बहुत बड़ा हिट था. यू हैव टू आस्क सोनू कि हम लोग कितना मजा करते हैं रिकॉर्डिंग में, हाउ मच आई एंजॉय माई सेल्फ. आई लाइक टू गिव अ होल ब्रीफ टू द आर्टिस्ट कि ये क्या गाना है. आमतौर पर क्या होता है, डायरेक्टर तो जाते ही नहीं है सॉन्ग रिकॉर्डिंग पे. आई टेल द सिंगर अ ब्रीफ ऑफ द फिल्म कि ये पिक्चर है, ये कैरेक्टर है और ये मूड है इस गाने का. द फर्स्ट एक्टिंग ऑफ माय सॉन्ग इज बीइंग डन बाय द सिंगर, देन द एक्टर विल कम एंड एक्ट आउट व्हाट ही इज डन. ज्यादातर एक्टर्स ये सोचते हैं कि वो ही एक्ट कर रहे हैं, आवाज जो है कोई भी गा दे. वो बहुत गलत है. यू कांट थिंक दैट आल्सो. आई डोंट नो हाउ एनीवन कैन इवन ड्रीम टू थिंक दैट. इफ द सिंगर डजंट पुट इन द परफॉर्मेंस, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो आप क्या एक्सप्रेस करोगे. एग्जैक्टली. इसीलिए बहुत गाने 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, रिपीट वैल्यू नहीं रहता गानों का. रीजन व्हाई सम सॉन्ग स्टिल सर्वाइव इज बिकॉज देयर इज एन इमोशन इन द सॉन्ग, देयर इज एन इमोशन, देयर इज अ फीलिंग विद व्हिच द सिंगर हैज संग इट. आज भी आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई हैव सीन इट ऑन यूट्यूब और सोनू ने मुझे खुद भी बोला है, देयर इज हार्डली अ शो सोनू डज इंटरनेशनली वेयर ही डजंट सिंग मेरे हाथ में. देयर इज वन लाइन दैट ही हैज सेड, यू नो हवाएं होंगी इतनी बेशरम, दगमग दगमग होंगे ये कदम. फिर ये जो हाय और उफ है, उस पर लोग जब ये परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, जैसे एक बार और लिसनर जो है उसने कितने गौर से वो गाने को सुना होगा कि एक शब्द को निकाला है. एंड व्हेन आमिर हैज इनएक्टेड जो एक्सप्रेशन थी उनकी और बढ़ गया बिकॉज़ ही कुड डू दैट एक्सप्रेशन. सोनू इज संग इट ओवर देयर, देन Amir has taken it further and he's expressed it. So it's got highlighted. Then next time you hear it on radio, it sticks with you. Agar wo hota hi nahi, to wo song ko wo madad hi nahi milti. That's the beauty of playback singing. I can't understand for the life of me ki director kaise jaate nahi hai song recording ke liye. Aapke film mein 5 gaane hain, 5 minute ke gaane hote hain, to aapke film ke 25 minute jo hain, aap dekh hi nahi rahe. Kaise nahi ja sakte? Duniya bhar mein kya hota hai ki barish saal bhar hoti hai, to koi usme koi romance nahi hai. Yahan par barish aati hai 3 mahine ke liye. तो हम लोग इंतजार करते हैं साल भर. जब बारिश आती है तो देयर इज अ सर्टेन कलर चेंज हो जाता है सिटी का. आई नो, खैर सिटी गंदी भी हो जाती है, मेट्रो लीक भी हो जाता है, वो सब चलो वो सब ठीक है. बट एक मरीन ड्राइव देख लो, यू नो सी एन ओपन थिंग, आप अपने घर के विंडो से देख लो, देयर इज सो मच रोमांस इन द रेन. आई फील दैट्स द टाइम यू गॉट टू सिट बैक एंड एंजॉय द रेन, एंजॉय नेचर. नहीं तो हमारे शहर में नेचर कहाँ है? नेचर आता है हमारे पास साल में 3 महीने के लिए, तो वी शुड रियली एंजॉय दैट फीलिंग. घर में क्या करता हूँ कि आई सिट इन माई बैल्कनी, आई हैव अ नाइस साइज बैल्कनी, आई सिट ओवर देयर एंड आई कॉल फॉर पकौड़ास एंड आई ईट पकौड़ास एंड चाय, या मैं भुट्टा खाता हूँ. तो इस बात की शिकायत है कि वो भुट्टा जो है वो सब वो स्वीट कॉर्न हो गया है, वाइट भुट्टा बंद हो गया है, पता नहीं क्यों. ऑथेंटिक जो हमारा देसी भुट्टा होता था वो वाइट वाला, वो पता नहीं बंद कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग. उस पर नींबू और नमक मिर्ची डाल के, तो आई लव दैट, सो आई लाइक ईटिंग दैट एंड जस्ट सिटिंग डाउन वॉचिंग द रेन, डूइंग नथिंग. I like to do nothing when it's raining. I just like to look at the rain. How nice. And hear the rain. हर एक कपल की एक इच्छा होती है कि उनका जो रोमांस है, लाइफ उन्होंने साथ बिताया है, उसको एक परफेक्ट पिक्चर, फाइनल पिक्चर जो होता है दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स इनटू आवर लाइव्स.
जीवन की बगिया महकेगी महकेगी महकेगी, सपनों की कलियां झूमेंगी. इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अबाउट अ कपल अबाउट टू हैव अ चाइल्ड. हाउ डज इट फील बीइंग अ फादर नाउ एंड दैट टू फादरिंग अ डॉटर. माँ के लिए उसका बेटा अलग है, एक फादर के लिए उसकी बेटी, वो कनेक्शंस ही अलग होते हैं. मच्छी से पूछेंगे कि पानी कैसा है, क्या जवाब देगी वो? बोलेगी इट्स एवरीथिंग. हाउ डू यू डिस्क्राइब वाटर? You can't describe it. So you can't ask a parent to describe what is being a parent. It's not possible. It's everything. Suddenly your whole life is that. The best part of being a parent is that you finally appreciate your parents. Honestly. I used to always joke and tell Karan, Johar, you know, your tagline was wrong. It's not about loving your parents, it's about forgiving your parents. Because we all have so many fights with our parents, childhood scars. Yeah. I said your tagline should have been, it's all about forgiving your parents. Then when you finally become a parent, you realize it's all about loving your parents. That's the trap. Zindagi ka ek ajeeb khel hai, ki aap wo samjhoge nahi jab tak aap ek parent nahi banoge. How do you spend time with the little one? It's doing homework now, writing, painting, coloring, swimming. Feeding her, making an egg for her, giving her a bath, getting her ready, buying things for her when I'm traveling, everything. Matlab everything. Suddenly the focus is all only... Yeah. Suddenly the focus is only the child. This year I must have made 3 trips abroad, gone thrice to London. I must have bought 2 pants for myself in 3 trips. Okay? And in one trip only, I bought some 18 dresses and some 9 tops for her. Not counting accessories, clips, hairbands, shoes, woos, all that. Let me buy this, let and me buy this, let me buy this. And that happiness on her face when she sees all those things. Yeah, I'm happier seeing her wearing something new than me wearing something new. With time, you know, she's going to grow up. Ladki ko pita ko chhod ke dusre ghar jana padega. See, I take life one day at a time. As it comes. Day before yesterday, she was not there in my life. Today, she is. Tomorrow, she'll grow up. She'll go to school. She'll go to college. She'll get married. वो सब सोच सोच के मैं पागल हो जाऊँगा. Like someone asked me, जब मैं फना बना रहा था, किसी ने मुझे पूछा कि आपको आप पर प्रेशर नहीं था कि आप आमिर और काजल को ला रहे हो पहली बार साथ में? ऐसे अगर ये प्रेशर लेता तो मैं पिक्चर कैसे बनाता? I try to not take pressure. I try to go one day at a time. एक आज क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ठीक है, चलो आज ये करते हैं, चलो आगे. कल, परसों, तरसों, नरसों, no, I can't do all that. That's perfect thinking actually. Yeah, I can't do all that. I don't want to do that. I want to enjoy today, na. कल जब problem आएगी तो solve करेंगे. Problem तो आने वाली है. उससे तो कोई नहीं बचा है. तो जब आएगी तो देखेंगे, उससे सॉल्व करेंगे. अब नाउ लेट मी एंजॉय आज. आज प्रॉब्लम है तो आई सॉल्व द प्रॉब्लम टुडे. इफ टुडे हैव टू डू फायर फाइटिंग, आई विल डू फायर फाइटिंग. इफ टुडे हैव टू एंजॉय, लेट मी एंजॉय. आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम है आज तो आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. आज टाइम है एंजॉय करने का, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगा, मैं सोचूंगा नहीं. जाते जाते आप ये बताएं कि व्हेन आर वी गोइंग टू गेट द नेक्स्ट मूवी फ्रॉम यू? वेरी सून. जब मेरी पिक्चर नहीं चलती ना, मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ. तो इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ इट. और जब मेरी पिक्चर चल जाती है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट ऑल्सो. आई गेट लेजी व्हेन माय फिल्म इज अ हिट एंड आई गेट ओवर एक्साइटेड. मेरी पिक्चर चल गई, मेरी पिक्चर चल गई. 6 मंथ्स आई विल बी सेलिब्रेटिंग. आई वोंट बी एबल टू थिंक ऑफ अ स्क्रिप्ट, आई वोंट बी एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग. देन आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट. देन धीरे धीरे आई गेट आउट ऑफ इट. देन आई रियलाइज बैंक बैलेंस कम हो रहा है, चलो काम करो. देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन. देन आई गेट डाउन टू इट. सो नाउ आई हैव गॉट डाउन टू इट एंड आई एम इन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग और एंड इट शुड होपफुली रिलीज early next year by during IPL or little after IPL. And after this then I won't take time. I'm going to make one film every year now, I've decided. Bahut ho gaya. You should. Yeah, bahut ho gaya. Doing this one film every 2 years, then I realize I can't. And then actors dates and ye wo. I said abhi actor ho na ho, main picture bana raha hu. That's a good thing. Haan, sab bhai mein hai. And you must keep the tradition going of the good music. Will naturally happen by the grace of God. I have a good ear for music. My songs have always been good. It's actually not rocket science. So people get scared to say no to a music director. Unko ye lagta hai ye gana fast paced hai to zyada hit hoga. Haan. Wo melody ko bhul jate hai. Wo melody bhul jate hai. Ab dekhe in the last 2 years, one of the biggest hit album has been Aashiqui. एक fast गाना नहीं है, एक item song नहीं है. लोग सब भागते हैं पीछे item song, item song, item song. Aashiqui का item song बताइए कौन सा है? है नहीं. उससे बड़ी album आई नहीं है last 2 सालों में. अभी सब या तो Aashiqui जैसे बनेंगे या baby doll जैसे बनेंगे. Either you be a follower or you be a leader. Either you go against the path and create something new. Follow what everyone does. If you follow, you'll never be as successful. I will always have a song by Sonu. I have to say this on air and in front of you as a wife. There is hardly anyone as good a singer as Sonu. And I can't even see anyone in the horizon.
talent Sonu has and range that Sonu has and the little nuances he brings in, the little harkatein jo wo lata hai, so effortlessly. Itna maza aata hai uske saath kaam karne mein. And achha aadmi. Very open, very sporting, asks for retakes, jo bhi hai, nothing. He never says no. I hardly go nowadays. Kabhi aise koi naye kisi ki recording pe chali gayi. He's so patient. He's very patient. It's very rare for singers today to have the range that Sonu Nigam has. Audiences ye jante nahi hai, lekin ek cheez hai called pitch control, jiske sahare main bhi singer ban sakta hun. The amount of pitch control that is done for singers is not a joke. For Sonu, nothing is done. Sonu jab sur pakadta hai, to aise pakad ke chalte hai, jaise train ki patri par train ja rahi ho. Sonu ka sur, matlab ek paisa nahi hilta hai. Ek paisa nahi hilta hai. And most singers, after they've gone, the sound recorder says to sit down and sur idhar se udhar gayi hai, ye gaya, itna clean up karta padta hai. Sonu ke saath na to saas clean up karna padta hai, sur to matlab is an insult to even say that for Sonu. He'll be so happy when he hears it. It's a fact. With other singers, you're trying to get it right. With Sonu, you're not trying to get it right. You're then experimenting with kya expressions leke aaye, kya range leke aaye, isko aur kaise ga sake. You're experimenting with that. You're not waiting ki acha ek right take aa jaye. You're not seeing kaun sa take correct hai. Take sabhi correct honge. You're looking for which is the best expression, which is a different expression. Okay, take nahi. Ye take mein ye variation hai, ye take mein ye variation. That's what I'm playing when I'm in the recording room with Sonu. You need to have that correct ear also, no? Yeah, that's what we go for. Chaliye. Thank you. Thank you so much, Madhurima ji. Hi. And thank you once again for gracing my show and coming on Kuch Panni Zindagi Ke with Madhurima Nigam on 92.7 Big FM.